नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। ऐसे में जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, अगर आप बिहार के वोटर हैं और पहले चरण के मतदान में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो भी आप वोट डाल सकते हैं। बस जरूरत होगी तो कुछ दस्तावेजों की। चुनाव आयोग ने आज बिहार मतदाताओं के लिए इन सुविधाओं को लाया है। इन दस्तावेजों के साथ आप वोट डाल सकते हैं। अपनी पहचान साबित करने के लिए अपनी इन फोटो आईडीज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का कार्ड, फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड या चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है, जिनमें 71 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण में 2,14,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण के लिए 31,371 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर आप बिहार के वोटर हैं और पहले चरण में मतदान करने जा रहे हैं लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो इन दस्तावेजों के साथ वोट डाल सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।